दोस्तों मैं जा रहा हूँ आज कुरुक्षेत्र, और जब से गाड़ी पे सीएनजी रखी है मेरा पहला टूर है, और साथ में एक बच्चा है हमारे, वो ये है। आपको दिखा देता हूँ उसका रूम कितना साफ रखता है, ये देखिए। ये भी जाने को जिद कर रहा था लेकिन मैं इसे लेके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसका जो है अब ये छोटा है, फिर ये घर की याद आती है इसे। तो आप जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ सीएनजी भरवाने, और लाइन देख रहे हो आप अभी लंबी है। वैसे बराबर में भी इधर भी सीएनजी पंप है लेकिन वो ख़राब हो गया है तो मुझे यहाँ आना पड़ा। और गाड़ी में ब्लिंक कर रही है गाड़ी, तो सीएनजी अभी थोड़ी बची है। फिर जब मैं यहाँ से चलूँगा भरा के तो मैं इसे रीसेट कर दूँगा। अभी 139 पे मीटर दिखा रहा है, तो देखते हैं आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में नंबर। चलने लगी है लाइन। तो दोस्तों नंबर आ गया है, देखते हैं कितने की चेंज आती है इसमें। पूरा ही टैंक खाली था। फोन कर रहे हैं, मुंह उठाया फोन। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ कुरुक्षेत्र, गाड़ी चली है 203 किलोमीटर, और फिलहाल मैं हूँ ब्रह्म सरोवर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ब्रह्म सरोवर है। अभी मैं जा रहा हूँ ज्योति सर देखने, यहाँ पे बोलते हैं कि कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। क्या अद्भुत नजारा है यहाँ से। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ आज कुरुक्षेत्र, और अभी मैं हूँ ये शेख चिल्ली का मकबरा है। कोई मुगल शहजादा दारा सिकोह जो था, उसका गुरु था ये, तो उनकी टॉम्ब है यहाँ। यहाँ से ऐसा व्यू आ रहा है। ये आपको मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ, ये इस तरह से। इधर भी कोई देखने लायक चीज़ है, शायद हर्ष का टीला है। अभी मैं जाऊंगा उस साइड तो दिखाऊंगा। एक ये भी है भाई, इसके बारे में तो कुछ जानकारी दी है नहीं, लेकिन लोगों ने यहाँ काफ़ी चित्रकारी दिखाई हुई है। ये देखिए आप, मतलब सड़ा के रख दिया सारा। ये देखिए, मतलब कब्र भी नहीं छोड़ रखी है, कब्र पे भी पूरी तकनीकी दिखा रखी है। आई लव सिमरन, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ओहो, ये संग्रहालय है
जो शेख चिल्ली टॉम के अंदर बना हुआ है, उस जमाने का चीज़ें, गुप्तकालीन 6ी सदी के मध्य, इस तरह के खेल खिलौने टाइप, क्या गुप्तकाल। ये आ गए हैं हम प्राचीन भीष्म कुंड मंदिर। ये वो जगह है जहाँ भीष्म पितामह तीरों की शैया पे, बाण शैया पे थे अर्जुन के तीर से। यही वो जगह है बाण गंगा, जहाँ अर्जुन ने बाण मार के उनकी प्यास बुझाई थी। ये 110 108 फीट की बजरंग बली की मूर्ति भी है। ये है कुरुक्षेत्र में, गांव नरकात्री में है। ये उधर मूर्ति बनी है शायद, ये बाण गंगा है। तो दोस्तों मैं चल पड़ा हूँ, 235 किलोमीटर पर मीटर है। कल से जब चला था मैं जीरो ही था, तब से जीरो ही करके चला था। और अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। मैं आ गया हूँ पानीपत, और CNG अब थोड़ी बची है गाड़ी में, ब्लिंक कर रहा है। और अभी मैं यहाँ पे हूँ, देखते हैं कितना आता है, फिर मैं बताता हूँ पूरा टूर कितने में रहा है क्या। दोस्तों यहाँ CNG है 50 रुपये 68 पैसे किलो। अब देख रहे हैं कितना आएगी। वैसे फिलिंग कर रहा था यार 6-7 किलो आ जाएगी। तो दोस्तों मैं अब पहुंचा हूँ घर पे, और गाड़ी चली है पूरे ट्रिप पे 454 किलोमीटर। और वहाँ पे मैंने टैंक फुल कराया है, इसमें 7 किलो गैस आई और 355 रुपये में टैंक फुल हुआ है। अभी भी शायद आधी होगी, 2 लाइटें जल रही हैं।